बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अरसान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आईडी क्लब। लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम वर्ड प्रोफॉर्मेशन प्रीफिक्सेस। जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, वर्ड के शुरू में आकर उसके मतलब को चेंज कर देते हैं प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस के मतलब हम इस चैप्टर में मज़ीद बात करेंगे कि प्रीफिक्सेस कितनी तरह के होते हैं और कैसे वो मतलब चेंज करते हैं, कौन से प्रीफिक्स लगाने से मतलब पे क्या असर आएगा। हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पर, इलीमिटेबिलिटी। ठीक है, अब ये वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन वर्ड फाइंड करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप देखिए, ये जो वर्ड इल है ये यहाँ पर प्रीफिक्स है आई एल, और लिमिट जो है एल आई एम, ये हमारा मेन वर्ड है, और एबिलिटी जो है वो हमारी यहाँ पर सुफिक्स है। अब इस वर्ड को बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान से देखना है, ये इतना इलिमिलिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपको इतना पढ़ा नहीं, इतना आपने पढ़ा नहीं होगा, इतना कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं है, हम कोई इतना यूज़ नहीं करते। सिर्फ आपको समझाना ये है यहाँ पर कि हमने ये इल लगा दिया शुरू में, तो क्या हो गया कि लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई। इलिमिटेबिलिटी यानी लिमिट थी पहले, अब उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने इल लगाकर उसकी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, यानी अभी हमने बता दिया, यानी इल हम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एल लगाने से उसका जो मतलब है वो चेंज हो गया, वो नॉट में आ गया। जैसे इलिमिटेबिलिटी का मतलब है नो लिमिट्स और नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब हम यहाँ पर मज़ीद, आप यहाँ उसने बताया है कि प्रीफिक्स लगाने से आप एक वर्ड से 24 नए वर्ड्स बना सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स बन रहे हैं, तो ये 24 वर्ड बन रहे हैं, पटेशन, पटेट, पटेव, और नॉन अडप्टेशनल, अडॉप्टिव, नॉन अडॉप्टर, प्री अडॉप्ट, ठीक है, प्री अडॉप्टेबल। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 3 से 24 नए वर्ड्स बन रहे। अब यहाँ पर हम कुछ प्रीफिक्सेस देख रहे हैं, उनके मतलब देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि देखिए मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अगर हम शुरू में अन लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हैप्पी से पहले अन लगाया तो मतलब नॉट हैप्पी, नन, नॉन लिविंग, अब मतलब कि लिविंग नहीं है। ठीक है, इस तरह डिस, डिसलाइक, पसंद नहीं है, इन, इन डायरेक्ट यानी डायरेक्ट नहीं है, इम, इमोरल यानी अखलाकियात से गिर कर बात है, तो हमने लगाकर नॉट कर दिया। इर लगाया अगर, इरेशनल यानी रेशनल नहीं है, इलीगल यानी लीगल नहीं है, इलिमिटेबिलिटी हमने ऊपर देखा यानी लिमिट नहीं है, तो ये वर्ड लगाने से हमने उसके मतलब को रिवर्स कर दिया। अब कुछ ऐसे वर्ड है, अगर हम शुरू में प्री लगा दें यानी पहले, यानी प्री वॉर, जंग से पहले, पोस्ट वॉर, जंग के बाद, एंटी बायोटिक यानी बायोटिक के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, एंटी वॉर, जंग के खिलाफ, प्रो यानी फेवर में, प्रो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फेवर में, इंटर, इंटरनेशनल यानी नेशंस के दरमियान, इंटर का लगाकर आपने बताया कि दरमियान में आप बता रहे हैं, तो देखिए एक वर्ड लगाया आपने और मतलब पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसी तरह हाइपर, हाइपर यानी बहुत, हाइपर एक्टिविटी यानी यार बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, एक्स्ट्रा, तो माल, माल न्यूट्रिशन यानी गंदा खाना, तो माल का मतलब होता है बुरा। मिसबिहेव यानी बुरी तरह से ट्रीट करना, इनकरेक्ट। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो साइंस यानी गलत साइंस, ठीक है। सेमी, सेमी का मतलब होता है पार्टली, थोड़ा सा हिस्सा, सेमी पब्लिक मीन्स थोड़ा सा हिस्सा, थोड़े से लोग। तो आप देखिए हमने 18 नए वर्ड सीखे बनाने, हम ये शुरू में लगाएंगे तो वर्ड का मतलब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने कहा, डिफाइनिंग वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस, मेक सेंटेंसेस बाय राइटिंग बेस वर्ड्स एंड द मीनिंग्स ऑफ द प्रीफिक्सेस इन द बोल्ड फेस वर्ड्स ऑन द लाइन्स प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, हर्मिट्स आर ए सोशल पीपल, दे आर डैश पीपल। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने आपको एक वर्ड दिया हुआ है, बेस वर्ड दिया हुआ है, आप उनके साथ प्रीफिक्सेस लगा दें, यहाँ लगा हुआ है, जैसे सोशल है तो सोशल से पहले ए लग गया, ए सोशल, प्रीफिक्स भी लगा हुआ है, तो कह रहा है इसका मतलब बताए, ए जिसके शुरू में आ जाए उसका मतलब होता है नॉट, ए सोशल यानी दे आर नॉट सोशल पीपल। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, द चाइल्ड इज एक्सेसिवली एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओवर स्पेस इज इलिमिटेबिलिट, देयर इज नो लिमिट टू आउटर स्पेस, कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से बाकी भी है और आपने ये मुझे सॉल्व करके बताने हैं, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख दें काइंडली,
जैसे एक और भी मैं यहाँ पर, सम थॉट्स आर अनअटरेबल, जो चेंज नहीं हो सकती, अन नहीं हो सकती, सम थॉट्स वन कैन नेवर चेंज। तो ये आपने वर्ड्स करने हैं और इनके आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिए हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह डिस्कशन लेक्चर्स में। प्रीफिक्सेस, कुछ नेगेटिव प्रीफिक्सेस है, जैसे अगर शुरू में ये वाले प्रीफिक्सेस आ जाए, अन इन दिस री, तो नेगेटिव हो गए। और इसी तरह साइज के बारे में, सेमी, मिनी, माइक्रो, लोकेशन के बारे में बताओ, इंटर, दरमियान, दोनों के, सुपर, ट्रांस, ठीक है, एक्स्ट्रा, मिड, दरमियान में, टाइम हो प्री वॉर, एंटी, फोर, पोस्ट, और नंबर हो मोनो, बाय, हेक्सा, ऑक्टो, मल्टी, डाई, ट्राई, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे हमारे पास पांच तरह के प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। पहले नेगेटिव और पॉजिटिव प्रीफिक्सेस को देख लेते हैं। अन, अनहैप्पी, इम, इमोरल, इल, इलीगल, नॉन प्रोग्रामेबल, मिसबिहेव, डिसरिस्पेक्ट, एंटी सोशल, डी कोड, अंडर वेट। तो आप ये देखिए, सारे के सारे वर्ड्स जो है नेगेटिव शो कर रहे हैं, छोटी चीज़ को शो कर रहे हैं, अगेंस्ट शो कर रहे हैं। पॉजिटिव देखिए, शुरू में अगर री आ गया, रीऑर्गेनाइज, ठीक है, दोबारा से ऑर्गेनाइज करें, डू अगेन, दोबारा करें, ये पॉजिटिव प्रीफिक्स है। ओवर, ओवर एज, यानी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, टू एज, टू मच, ओवर वेट, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवर वीट, यहाँ बड़ी ज़्यादा हीट हो गई है। साइज को देखना हो तो हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सेमी, इक्वी, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, सेमी नॉलेज, तुम्हारे पास थोड़ा सी नॉलेज है, इक्वी, इक्वल, मैक्सी, ज़्यादा बड़ा, माइक्रो, छोटा, माइक्रो, मिनी, मैक्रो और मेगा। इसी तरह कुछ प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन है, जैसे इंटर, दरमियान में, सुपर, सुपर ब्रिज, यानी ओवर ब्रिज, ठीक है, ट्रांस, अक्रॉस, ट्रांसजेंडर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, एक्स, एक्सक्लूड, निकालना आउट, एक्स्ट्रा, सब, इंफ्रा और पैरी, ये सारे, पैरी मतलब अराउंड, इर्द गिर्द, ये लोकेशन हमें बता रहे हैं। टाइम और ऑर्डर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटी, बिफोर, प्री, प्राइम, पोस्ट और रेट्रो, रेट्रो बैकवर्ड। प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर्स हमारे पास आते हैं, हाफ के लिए सेमी, ए के लिए मोनो, फिर बाय, फिर ट्राई, क्वार्ट, पेंटा, हेक्सा, सेप्टम, ऑक्टा, डीका और मल्टी, ये सारे हमारे पास आते हैं, और सारी एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। जैसे सितंबर जो है वो सातवां महीना होता है, तो हमने सितंबर, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ और प्रीफिक्सेस भी है, जैसे प्रो, प्रोग्राम, फॉर, ठीक है, फॉरग्राम, और ऑटो, सेल्फ, यानी ऑटोमेटिक, खुद ब खुद होना, को, कोऑर्डिनेट, मिलकर काम करना, मिलकर, को का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू चीज, न्यू, क्लासिकल, पैन, यानी पैन का मतलब ऑल, पैन इस्लामिक, यानी ऑल इस्लामिक। अब कुछ एक्सरसाइज आपके सामने, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रीफिक्सेस, और फिर उसके मतलब निकालने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास पहली वाली कुछ देख लेते हैं, पहले वर्ड लाइन को, तो यहाँ प्रीफिक्सेस क्या हो गए, इम, इम्पैक्ट से पहले क्या, इम, इन, इन एक्सपेंसिव से, एक्सपेंसिव से पहले है इन, तो ये प्रीफिक्सेस है। अन, मैग्नेटाइज्ड, अन, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बाकी हेक्सा यहाँ पर है, हेक्सा और ऑक्ट है यहाँ पर, ठीक है, बाय है यहाँ पर, तो आप ये बाकी भी इंशाल्लाह ट्राई करें, और अगर कुछ समझ नहीं आती तो वो आप कमेंट बॉक्स में फॉरन सुनते हुए अभी कमेंट कर दें इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब आपके पास यहाँ कुछ नंबर प्रीफिक्स दिए है, मल्टी, डेसी, सब और बाकी भी, और एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें 10 MCQs आपसे, 10 ब्लैंक्स हैं, आपने वो फिल करनी है, ये ऑलरेडी आपको फिल करके दी हुई है। डैश बाइट्स मीन्स 1 मिलियन बाइट्स, किस का मतलब होता है, 1 बिलियन, मेगा का मतलब होता है 1 बिलियन, मिलियन सॉरी, मेगा, तो मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा, मैनी, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉक्स के दरमियान में, यानी इंटर ब्लॉक्स, और बाकी भी यहाँ पर आपको सारे सॉल्व करके दिए गए हैं। बहरहाल अगर आपको समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज में इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप खुद करें, ताकि खुद जब आप करेंगे और ऊपर आपने जो बात समझ ली है उसको मद्देनजर रखते हुए, तो कोई गलती होगी तो वो मैं आपको सुधार दूंगा। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द प्रीफिक्स एंड कंप्लीट द टेबल दैट फॉलोज इट। यहाँ पर आपके सामने एक पैराग्राफ दिए गए हैं और आपने इसमें क्या करना है, प्रीफिक्सेस को अंडरलाइन करना है। जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स हो गए यहाँ पर, ओके, कैलकुलेशन वाज डन यूजिंग, स्टिल यूज टुडे, यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्सेस है कैल, ठीक है, और अन, अन, अन यहाँ पर है, मिड है हमारे पास, यहाँ प्रीफिक्स है,
पोस्ट है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ से आपने ऐसे प्रीफिक्सेस निकाल लेने हैं और फिर आपने उसको हल करना है। यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और यहाँ सुफिक्सेस को अंडरलाइन करना है, सुफिक्सेस जो बाद में आते हैं। तो ये इंग है यहाँ पर, ION है, ठीक है। ये सुफिक्सेस यहाँ पर निकालने हैं। सुफिक्सेस के बारे में आपने पीछे पीछे चैप्टर में पढ़ा था। सुफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टेम से बाद में आते हैं, और ये लफ्ज़ के मतलब को चेंज नहीं करते बल्कि सिर्फ उसकी हालत को चेंज करते हैं। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सेम मतलब हो या नियरली एक जैसा तकरीबन मतलब हो। जैसे बिग होता है, लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, गिगेंटिक, एमेंस, क्लोजल, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। तो इसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली करेक्टरिस्टिक्स ये है कि तकरीबन सबका सेम मीनिंग होता है। जैसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है, और जो अप्रोप्रिएट एंड एप्ट आर सिनोनिम्स, तो एप्ट का और अप्रोप्रिएट का एक जैसा मतलब होता है, ठीक है, तो ये सिनोनिम्स है। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है कि सिनोनिम्स ऑफन हैव शेड्स ऑफ मीनिंग इन एडिशन टू द मीनिंग दे शेयर। कह रहा है कि दूसरी तरह के सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाला मतलब नहीं होता बल्कि उसकी शेड उस जैसा होता है। मिसाल के तौर पर ब्लेम यानी इल्ज़ाम लगाना, और डिनाउंस यानी उसको मुजरिम बताना, दोनों सिनोनिम्स है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब नहीं दे रहे, डिफरेंट थोड़े से शेड्स दे रहे हैं, मीनिंग शेडिंग मीनिंग्स है दोनों की, ठीक है। तो फाइनल मिस्ट्री सेलेक्टिंग, आखिरी हमारा काम है इसमें सेलेक्टिंग वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स को हमने सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास है बोल्ड लेटर्स में एडमोनिश द चाइल्ड, ठीक है, तो ड्रेस द चाइल्ड, टीच द चाइल्ड, प्रेज द चाइल्ड एंड वॉर्न द चाइल्ड। तो आपने इनमें से जो आपको करेक्ट आंसर लगेगा वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला वाला आ रहा है एडमोनिश, तो हम इसके लिए आप एक्सरसाइज अब सॉल्व करें तो आप गूगल को ज़रूर यूज़ किया करें, जैसे मैं आप गूगल को यूज़ करवाऊँगा आपको सिखाने के लिए कि गूगल को आप कैसे यूज़ करेंगे। मैंने बस उस पर क्लिक किया है और हमारे पास उसका मतलब आ गया है। तो एडमोनिश जो है इसका मतलब होता है वॉर्न करना, तो हम सीधा से वॉर्न पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से हमें हमारी वोकैबलरी में इजाफा होगा। इस तरह हम चलते हैं ई फेस की तरफ, आखिरी, और इसके बाद आप खुद आगे आने वाले वर्ड्स को करेंगे। ई फेस का मतलब होता है विद टाइम। तो हम यहाँ देखेंगे कि फेस अ रॉन्ग, तो डिस्कवर अ रॉन्ग यानी पता लगाओ कि क्या गलत है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे यहाँ पर जितने 10-20 वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैबुलरी को ठीक करने के लिए दिए गए हैं वो आप देखें यहाँ पर, लूसिड एक्सप्लेनेशन, अ क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो ये 20 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में शामिल हो गए इंशाल्लाह ताला, और ये चैप्टर आपको काफ़ी हेल्पफुल देगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह ताला, और आपको पेपर में भी इसमें से काफ़ी सवाल आएंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।